लगा दिया है एक दिन में मुहर्रम और दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर के, पिछले साल भी इसी तरह उनका रहा है रवैया? देखिए, ममता जी को पश्चिम बंगाल के विकास की चिंता नहीं, वहाँ के संस्कार की चिंता नहीं, वहाँ की संस्कृति की चिंता नहीं, वहाँ की जनभावना की चिंता नहीं, उन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता है, वोट बैंक की चिंता है, और इसीलिए तुष्टिकरण की नीति वहाँ पर लगातार चल रही है, और इस प्रकार के तुष्टिकरण की नीति की भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है, और हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सरकार के खिलाफ वहाँ प्रदर्शन करेंगे और सरकार से कहेंगे कि आप इस प्रकार फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं कर सकते। दुर्गा पूजा करना, दुर्गा माता का विसर्जन करना, ये बंगाल के लोगों का फंडामेंटल राइट्स, और सरकार उसको नहीं रोक सकती। पिछले साल भी इसी तरह ममता बनर्जी का आदेश रहा, उस बार भी काफ़ी मुझे लगता है उस वक्त भी हाईकोर्ट ने डांट लगाई थी, और हाईकोर्ट की डांट का कोई असर ममता जी पर नहीं हुआ। शिक्षक दिवस को लेकर भी गाइडलाइन को लेकर के ममता बनर्जी ने साफ खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार से हमें किसी गाइडलाइन को मानने की हमारी आवश्यकता नहीं है, और केंद्र सरकार से और बीजेपी से देशभक्ति सीखने की हमें जरूरी नहीं। मुझे लगता है कि एक संघीय व्यवस्था हमारे देश के अंदर, राज्य और केंद्र के बीच में कुछ संबंध है, उस संबंधों का सम्मान करना चाहिए सबको। मैं विगत कई दिनों से देख रहा हूँ कि ममता जी संघीय व्यवस्था के ढांचे को तोड़ने का कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ ये एक प्रजातंत्र में काम करने वाले नेता के अच्छे लक्षण नहीं है।